हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। मैं खुश आपका स्वागत करता हूँ हमारे नई इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट करिए। और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप लोग बाहर हैं तो जहाँ हैं वहीं रहें, कहीं नहीं निकले, घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि कोविड का जो सीन चल रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि पहले से थोड़ा सा कम है, लेकिन आप लोग न्यूज़ व्यूज़ भी देखते रहो अगर थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ भी पैनिक हो रहा है, तो पैनिक नहीं होना है। और ये सब न्यूज़ जो दिख रहा है वो सब भी मतलब 50% सही है, तो उस पर बातों पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और जो गाइडलाइन निकाला गया गवर्नमेंट की तरफ से वो भी फॉलो करना है। लॉकडाउन का जो टाइमिंग है उस पर आप निकलिए। अपने टाइम पे ही निकलिए सामान वामान खरीदने के लिए जो टाइमिंग है, क्योंकि पुलिस भी तंग कर रही है, तो आप लोग उससे भी बचिए। और मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप लोग वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि वैक्सीन लेने से आप लोग को बेनिफिट होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट जरूर है। क्योंकि हम ज़्यादा नहीं, आप लोग गूगल करके देख ही लिए होंगे कि आप लोग को ज़्यादा नॉलेज है, आप लोग गूगल करते हो, तो आप लोग देख लेना कि वैक्सीन का भी बेनिफिट है, तो वैक्सीन ले लीजिए। मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी ले लिया हूँ, आप लोग भी ले लीजिए। और मैं वीडियो भी डाल दूंगा, उस वैक्सीन वाला जो वीडियो था मैं भी लिया हूँ वीडियो, पर एक अच्छा सा सेपरेट ब्लॉग बनाया था, तो उसको अच्छे से बना के फिर रंग डालेंगे। अभी हम चलते हैं थोड़ा सा मैंगो शेक बनाते हैं, मैंगो शेक बनाने के बाद फिर मिलते हैं और अच्छा लगेगा। एक दिन और मैंने मैंगो शेक बनाया था, तो अभी हम मैंगो शेक बनाते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं कैसे मैंगो शेक बनाते हैं और टेस्ट कैसा है। तो चलिए चलते हैं अभी मैंगो शेक बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं मैंगो शेक बनाते हैं, क्योंकि अभी आम का सीजन चल रहा है और मौसम भी अभी बहुत अच्छा है, ना कि गर्मी है ना ही ठंडा है। और अभी हम चलते हैं मैंगो शेक बनाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कि मैंगो शेक कैसे बनता है, और फिर मैंगो को सर्व करके, मतलब कि आम का जो जूस है हम जो बनाए हैं मैंगो शेक, उसको फिर हम सर्व करेंगे और फिर देखते हैं उसको अच्छे तरीके से सर्व करते हैं, क्योंकि घर वाले को भी लगना चाहिए कि हाँ छोटा घर का छोटा लड़का बनाया है मैंगो शेक। तो अभी हम चलते हैं मैंगो शेक दिखाते हैं कि कैसे हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस आम को काट लेते हैं, इस आम को काट के उसमें डाल दिए हैं, क्योंकि हो जाता है फिर कैमरा भी देखना होता है, तो हम आम काट के इसमें ले लिए ये बड़ा सा आम, जो कि हमारे बिहार में देखें कितना बड़ा आम मिलता है। उसके बाद इसमें हम चीनी डाल लिए हैं, चीनी डालने का थोड़ा सा दूध भी डाल दिए हैं, क्योंकि दूध का भी टेस्ट आएगा, तो आम का भी ज़्यादा एसेंस जो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आम का रहता है, तो वो नहीं रहेगा। उसके बाद हम इसको इसमें डाल के, उसके बाद अभी हम यहाँ पे मिक्सर जूसर जो है इसमें हम इसको चलाएंगे, तो काफ़ी 3-4 बार चलाते हैं, फिर चलाने के बाद और गिलास में डालने के बाद फिर आपको दिखा दें कि कैसा है, फिर आप रिव्यू भी लेंगे, घर में भैया है भाभी है कैसा बना है रिव्यू भी लेंगे। अभी हम चलते हैं इसको फटाफट चलाते हैं, मिक्सी का भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगा तो आप परेशान हो जाएगा, तो हम इसको अभी एक छोटा सा एक ट्रांजिशन के बाद मिलते हैं आपसे, इसको कंप्लीट करके और फिर गिलास में डाल के फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैंगो शेक तैयार हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, उसके बाद हम इसमें ग्लास में सर्व करते हैं और फिर सबको दिखाते हैं कि कैसा बना है और टेस्ट का रिव्यू भी लेंगे। तो अभी इसमें डालते हैं, तो फ्रेंड्स अभी हम अपना जूस ले आए हैं और अभी हम पीते हैं और फिर बताते हैं कि कैसा बना है और रिव्यू भी लेते हैं भैया से। अच्छा, भैया भी यहीं पे पी रहे हैं, तो भैया से पूछते हैं कि कैसा बना है, और मुझे तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया बनाया है मैंने। भैया ये बताना कि कैसा बना है? अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, ऐसे ही बनाते रहना, आम का मौसम है, तुमको ऐसे भी आम अच्छा नहीं लगता, तो जूस ही बनाओ, जो सब कोई पिए और तुम भी पीते रहो, अच्छा है गाइस, आप लोग भी पीजिए। थैंक यू रिव्यू देने के लिए। तो अभी जैसा कि भैया ने बताया कि अच्छा नहीं है, लेकिन फिर बाद में बताया उन्होंने कि बढ़िया बनाया है, तो देखते हैं
घर में और लोगों से पूछते हैं, और बाकी लोग कैमरा के सामने आने में शर्माते हैं तो उन लोगों को कैमरा के सामने नहीं लाते हैं, तो बस ऐसे ही रिव्यू लेते हैं। और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, और देखते हैं कि अभी हम लोग घूमने जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या है, और थोड़ा बहुत घूमने का है तो वो हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को ये इतना शॉर्ट इसलिए बनाया हूँ क्योंकि मैं बाहर गया नहीं, और लॉकडाउन भी था, और बाहर का कुछ कोरोना केसेस भी मिल गए हैं, तो मैं बाहर नहीं जा रहा। बाहर जाके अपने को डेंजरस में नहीं डालना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटा मोटा ब्लॉग ही डालूँ। आप लोग का अगर प्यार है, सपोर्ट है, तो ये सब भी वीडियो आप लोग पसंद करोगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।